अगर आप क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, फॉरेक्स में काम करते हैं या स्टॉक्स में काम करते हैं, तो आपने ये जरूर नोट किया होगा कि जब भी अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की खबर आती है या फिर इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने की खबर आती है, तो मार्केट में हमें तब्दीली देखने को मिलती है। या तो मार्केट तेजी से डाउनवर्ड मूव लेती है या फिर अपवर्ड मूव लेती है। तो आज की इस गुफ्तगु में हम ये जानने की कोशिश करेंगे भाई, अगर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो उसका मार्केट पे क्या असर होता है और क्यों असर होता है, और उस सूरत में हमारा क्या करना बनता है। सिंपल अल्फाज में बात कहूँ तो आज की वीडियो आप लोगों को इतना एजुकेट ज़रूर कर देगी कि आने वाली या होने वाली तब्दीली से पहले ही आप आगाह हो जाएंगे। और जैसा कि हमने एक लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो भी डाटा आ जाए वो दो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आता है, एक होता है इन्फ्लेशन और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट। अब इन तमाम चीज़ों को समझते हुए आपको इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि यार जो भी डाटा आता है, ना तो मैं पाकिस्तान का देखता हूँ ना ही इंडिया का देखता हूँ, मैं USA का डाटा ही क्यों देखता हूँ। उसकी रीज़न होती है ग्लोबल रिजर्व करेंसी का डॉलर में होना। अब अगर आपको ग्लोबल रिजर्व करेंसी का कंसेप्ट नहीं है, आपको इन्फ्लेशन का नहीं ठीक तरीके से पता है, इंटरेस्ट रेट के हवाले से आपको कन्फ्यूजन है, फेड रिज़र्व और इस किस्म की कुछ और चीज़ें जिनके हवाले से आप नहीं जानते हैं, तो उसके लिए यार मैं पहले एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो वीडियो हमारी इंटरेस्ट रेट वाली है, उसे आप देख लो, उसके बाद में ही आपको हमारी ये वाली जो वीडियो है समझ में आ जाएगी। और उसी वीडियो में हमने ये भी बात की थी कि भाई FOMC क्या होती है, किन चीज़ों के ऊपर ये फैसला लेती है। अगर FOMC इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने का बताती है, इसी तरीक़ाकार से FOMC इस बात को वाजह करती है कि इस साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो आज की इस वीडियो का जो आगाज़ है, हम इसे एक सवाल से करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती क्यों है और उसका मार्केट पर असर क्या होता है। अब तकरीबन 80% फर्म्स ऐसी होती हैं जो कि अपने मुलाजमों को सिर्फ जॉब से इस वजह से निकाल देती हैं कि उनके पास पैसे देने या फिर ये कह लें कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते, और ना ही वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पा रही होती हैं। अब मुलाजमतें देने का तो एक ही तरीका है कि फर्म्स के पास पैसा है, वो अपने बिजनेस को मज़ीद फैलाएं, वो लोगों को जॉब दें, और बिजनेस को फैलाने के लिए पैसा बैंक से लोन की सूरत में हासिल किया जाता है। मगर फर्म्स लोन लेने में तभी कामयाब हो पाती हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, मतलब ये कि जो भी लोन वो बैंक से हासिल करेंगे अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कम होगा, तभी जो फर्म्स हैं उस लोन को लेने के लिए अप्लाई करती हैं। अब यहाँ पे आपको इस बात को बहुत गौर से समझना होगा कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फेड मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका पे दबाव बनता है कि इसे कंट्रोल में लाया जाए, और फिर फेड क्या करता है, लोन और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। अब जब इन्वेस्टर्स को इस बात का पता लगता है कि हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट था कम हो गया, वो क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकाल कर मुख्तलिफ बिजनेसेस क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देती हैं। एक सूरत हाल ये हो गई। दूसरा क्या होता है, दूसरी साइड पे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो फंड्स जो कि पहले बैंक से लोन नहीं ले पा रही थी, वो बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस एक्सपेंड करने लगता है, लोगों को जॉब्स मिलने लगती हैं, और हासिल शुदा तनख्वाहों में से कुछ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट लगाने लगता है, और फिर मार्केट में हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिलता है। और अगर इस बात का मैं खुलासा करूं तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना मार्केट में अपवर्ड मूव का बायस बनता है, और अनएम्प्लॉयमेंट का एक खास लेवल से गिर जाना मार्केट में डाउनवर्ड मूव का बायस बनता है। इस बात को भी समझ लीजिए, जब मुलाज में इनको मुसलसल तोहफाएँ मिल रही होंगी तो हर शख्स अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए मार्केट में निकलेगा और उन्हें चीज़ों को ख़रीद लेगा, लोगों के पास पैसा जो है बढ़ने लग जाएगा। अब दूसरी सूरत में हो क्या रहा है कि मार्केट में जो बिकने वाली चीज़ें हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, और रिसोर्सेज में एज सच इतनी कोई खास तब्दीली नहीं आई है, प्रोडक्शन में इतनी कोई खास तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ लोगों के पास में पैसा बढ़ा है। अब क्या होगा कि जब मार्केट में ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदने के लिए निकलेंगे तो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगेंगी, पैसे की वैल्यू गिरने लगेंगी, और इस तरह से आगाज़ होता है इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक्स क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पैसा मार्केट से निकलता है, मतलब ये कि क्रिप्टो स्टॉक्स शेयर्स फॉरेक्स इन तमाम चीज़ों से पैसा निकलकर बैंक्स में आ जाता है, क्योंकि जो बैंक्स होती हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी दे रही हैं, और वो जो मतलब अर्निंग का रिसोर्स है एक सेफ है, तो मार्केट से पैसा निकलकर बैंक्स में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें मार्केट में डाउनवर्ड मूव देखने को मिलती है। और अगर मैं पूरी गुफ्तगू का खुलासा करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है, मार्केट में एक अपवर्ड मूव देखने को मिलती है,
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होने से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया जाता है और मार्केट में एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिलती है। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है इसका हमें कैसे पता चले? तो इसके लिए हमारे पास में ये दो वेबसाइट्स हैं। investing.com पे आपको डाटा के हवाले से न्यूज़ तो मिलती है, मगर इसी के साथ में investing.com पे आप लोगों को किसी भी ट्रेडिंग पेयर के जो है ट्रेडिंग सिग्नल्स है वो भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास में इस वक्त में ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन के हवाले से आपको 5 मिनट से लेकर मंथली लेवल तक बाय और सेल के ये सिग्नल्स देता है और ये तमाम चीज़ें फ्री में हैं। अब आप लोगों ने इन सिग्नल्स को कैसे यूज़ करना होता है, इसकी मुकम्मल सेटिंग क्या है, उसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से डाटा को चेक करने की, तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले आकर इकोनॉमिक कैलेंडर का ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको येस्टरडे, टुडे, टुमारो, दिस वीक और नेक्स्ट वीक का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से जिस भी डेट का डाटा देखना चाहें उसको ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आकर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक्चुअल, फॉरकास्ट और प्रीवियस। जब भी आपको एक्चुअल प्रीवियस से इंक्रीज़ हुआ हुआ नज़र आए इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर प्रीवियस से कम नज़र आए इसका मतलब है डिक्रीज़ हुआ है। इसी तरीक़ेकार से आप लोग यहाँ पे आकर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके हवाले से भी अगर आपको समझ नहीं आए इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी चीज़ को चेक करने के लिए आप लोग ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपल कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको ये इम्पैक्ट का ऑप्शन मिलता है। अपने यहाँ से जो 3 स्टार है उसे सिलेक्ट करना है, मतलब ये कि हम यहाँ पे जो भी डाटा देखने वाले हैं वो हाई लेवल का देखने वाले हैं, लो डाटा सामने यहाँ पे नहीं रखने हैं। कंट्रीज़ में आएंगे, तमाम कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिन जिन कंट्रीज़ का आप लोग डाटा देखना चाहते हैं उसे यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आपको एक्चुअल, फॉरकास्ट और प्रीवियस इन तीनों को ही फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका एक्चुअल प्रीवियस से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि रेट इंक्रीज़ हो गया। अगर प्रीवियस से एक्चुअल कम आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि डिक्रीज़ हो चुका है। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए कि इस डाटा को कैसे चेक करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को एक फ्रेश वीडियो बनाकर दे दूंगा। अलबत्ता एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है, कुछ और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।